आगरा से नितिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आगरा में क्या स्थिति है और एहतियात के तौर पर लोगों को जागरूक करने के लिए भी किस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं, डॉक्टर्स की क्या सलाह है लोगों के लिए? तो ये डॉक्टर्स की अगर सलाह की बात की है तो डॉक्टर्स तो ये कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि नेचर के साथ इंसान ने सबसे ज़्यादा खिलवाड़ किया है। परंपराओं के नाम पर और मस्ती के नाम पर जिस तरीके से कहा जाए, हमने सारी धज्जियाँ उड़ाई हैं और अब उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ तस्वीरों के जरिए, आप देख सकते हैं कि आसमान में पूरी तरह से धुंध की चादर है, स्मोक की चादर है, और ये कहा जाए वाकई में लोगों को दिक्कत है, सांस लेने दिक्कत है। और ऐसे घर में अगर कोई बुजुर्ग है जिसको कोई तरह तरह की बीमारियां हैं, वो उनकी दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। आम नौजवान भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, कई तरह की प्रॉब्लम है, आँखों में कहा जाए इचिंग से लेकर आपको सांस लेने में दिक्कत है, तमाम तरह की दिक्कत है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि हरित पटाखों की बात कही गई, लेकिन क्या इसके लिए कोई आदेश जारी करने के अलावा कोई और इस पर सख्त, इस पर कोई पहरा बिठाया गया? दुकानदारों ने जिस तरह से मनमाने तरीके से वही नॉर्मल पटाखे बेचे, इसके साथ ही लोगों ने भी नहीं समझा, तो सेल्फ रेगुलेशन की बात की गई वो भी नजर नहीं आई। लगातार जिस तरह से एक कोई लेवल आगरा का 400 के करीब है, वेरी पुअर कंडीशन में बिल्कुल बना हुआ है। आगरा में भी सूरत हाल आज का शहर है जैसा और शहरों में वैसा है। नीरज का भी रुख कर लेते हैं, गोरखपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ हुए। नीरज, गोरखपुर में क्या कुछ हाल है और प्रदूषण का स्तर वहां पर क्या है, बताइए। बिल्कुल कौशल, अगर गोरखपुर की बात करें तो जो AQI लेवल है वो काफी बढ़ा हुआ है, 386 ओवरऑल जो लेवल है, और स्मॉग इस कदर है कि आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि पूरी तरह से धुंध है, और जो विशेषज्ञ हैं वो बता रहे हैं कि काफ़ी खतरनाक ये स्तर है। और यही चेतावनी दी जा रही है कि अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो बुजुर्ग और बच्चे घर में ही रहें और अपनी जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो बंद करके रखें। और कौशल, सबसे बड़ी बात यह है कि वैश्विक महामारी के बाद जब ये दिवाली आई है तो लोगों के अंदर जो लापरवाही थी वो पूरी तरह से दिखाई दी और लोगों ने जमकर पटाखे भी छोड़े हैं, और यही वजह है कि प्रदूषण का स्तर जो है 3 दिनों में बिल्कुल से बढ़ गया है और शहर एकदम चेतावनी के रडार पर है। जो हवा है पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है, और यही वजह है कि चिकित्सक सलाह दे रहे हैं कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और अस्थमा के मरीज हैं वो खासकर घर में रहें, और यही वजह है कि पीछे जो आप सड़क देख सकते हैं।